प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित किया। हाउडी मोदी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। 30 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप और 50 मिनट से ज्यादा भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बातें की जो भारत अमेरिका की दोस्ती को नए मुकाम पर ले गई। भाषणों से अलग डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री पर भी हर किसी की नजर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हाथों हाथ लिया। अमेरिका और यूरोप के मीडिया संस्थानों ने एक तरफ मोदी ट्रंप की इस मुलाकात और हाउडी मोदी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया, वहीं चीन, मध्य एशिया और पाकिस्तान की मीडिया ने कार्यक्रम से अलग मोदी के विरोध की खबर को उठाया। पीएम मोदी ने हाउडी मोदी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर भी पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत के फैसलों से ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे अपना देश नहीं संभल रहा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को पी चिदम्बरम से मुलाकात करने तिहाड़ जेल पहुंचे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार किए गए थे। इस बीच पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम भी तिहाड़ जेल पहुंचे। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्र सोमवार से शुरू होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार किया है। इसके पीछे प्रोफेसर सुधीर कृष्णा स्वामी के NLSIU कुलपति के तौर पर देरी से नियुक्ति की वजह है। कृष्णा स्वामी की नियुक्ति न होने के विरोध में शुक्रवार को छात्रों ने क्लास के बहिष्कार और रजिस्ट्रार OV नंदीमठ के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठने का फैसला किया था। दिल्ली समेत देश भर में सोमवार को फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 29 पैसे बढ़कर पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत 73.91 रुपए हो गई। लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 7 दिन में पेट्रोल 1.88 रुपए महंगा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 4 नए जजों ने शपथ ली। सोमवार को जस्टिस राम सुब्रमण्यन, जस्टिस आर रविंद्र भट्ट और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हो गई है। संभावना है कि अगले महीने से एकल जज पीठ की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान में स्थित बालाकोट आतंकवादी शिविर फिर से सक्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 500 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन सेना पूरी तरह से बॉर्डर पर सजग है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हम बालाकोट से भी आगे जा सकते हैं। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने कहा था कि चंद्रयान 2 मिशन में हमें 98% सफलता मिली। सिवन के मुताबिक इसरो का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन देश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक सिवन के इस बयान से सहमत नहीं है। वो इसरो की लीडरशिप और विक्रम की तकनीक पर भी सवाल उठा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हाउसिंग के साथ ही MSME और रिटेल लोन के मामले में सभी फ्लोटिंग रेट वाले लोन को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है। ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। SBI ने रेपो रेट को इन सभी लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क मानने का फैसला किया है। इसके पहले जुलाई में SBI ने एक बड़ी पहल करते हुए ब्याज दरों में पारदर्शिता की मिसाल पेश की थी।